आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड। इटावा में एक सगी चाची ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर भतीजे का गुप्तांग काट दिया। महिला ने बताया कि उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए युवक का सब्जी के चाकू से गुप्तांग काट दिया। इटावा के बस देहर CSC में बेहोश पड़े इस युवक के गुप्तांगों को एक महिला ने काट दिया। रिश्ते में सगी चाची के साथ रेप करने के लिए इस युवक ने घर के भीतर दबोच लिया और उसके साथ गलत काम करने का प्रयास करने लगा। चाची ने अपनी इज्जत बचाने के लिए पास में पड़े सब्जी के चाकू से गुप्तांग काट दिया। महिला ने तत्काल थाना बस देहात पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल युवक को CSC बस देहात में भर्ती कराया। पीड़ित महिला ने बताया कि उसका भतीजा पिछले कई दिनों से उस पर बुरी नजर रखता आ रहा था। हमारे ककवा के गेट लग रही है जे 5 भैया इनके पिताजी हमारे अकेले आज घटना का है। उसके बाद खुले मिलते थे तो जब गए तो हमने बिटिया कुटिया पकड़ लो, जब ये बिटिया पिटिया छाओ तो मेरे तो हमने धक्का दो दीवार लंबू लगो तो दीवार लंबू लगो तो हमने सरकार ने चुपका कर रहे करता रहे तो कन्ना है कोई कन्ना है कोई करे और एकदम ने हमने बांधल धक्का दो पिया तो खराब बहुत जोड़ के धक्का दो हमने बांधल लगा उठाया हमने मार्केट का। हाँ अच्छा, पहले भी कर चुके हैं अगर चोट बताइए आप करी करूँ नहीं लेकर कर गए कई बार कोशिश करी। अच्छा, हमने सबको जाके घर है सर बताई जाके घर है वो छूट दे दी गई है कि तेरे घर है जा जौन को मार दिए हमारे आदमी तो कह दी जगह। आपने जान से मारने का प्रयास किया था क्या? हमने जौन को मार देगी नहीं, हमने जय सोच ली थी हमने कर दी और मार काट ली लेकिन जागा पीछे पड़ी साल मेरे जो मुड़ उड़ मिल रही चौटे चाकू से। हाँ चाकू से दिया सब्जी काटने वाला सब्जी का। हाँ छेड़छाड़ कर नहीं था याद तो आपके इरादे से। हाँ उसका ही सुनना और बिल्कुल ना आ गए एकदम आवाज से आवाज में आओ तो। हाँ हमने हाथ से वार किया था। आपने जिसको वार किया है अब उसको करने के बाद क्या सोचा? आपने अच्छा किया या गलत किया? क्या हमने तो अपनी जगह आपने अच्छा किया जी। हाँ अच्छा, आप परेशान है? हम ज्यादा परेशान है जाके घर वाले सब परेशान था, कोई नहीं कहेगा की हाँ जाके घर है कहीं जाके हमें सो मालूम नहीं था। हमारे संग में हुआ तो हम बताए रहे और छूट दे दी तुम्हारे घर जाए जम समाज दे। आपसे एक मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, समझ जवाब दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की और लड़कियों का छेड़खानी रेप की घटनाएं बहुत बढ़ी है, क्या महिलाओं को इस तरीके का रीजन लेना चाहिए अपनी इज्जत बचाने के लिए? लेना ना क्यों नहीं चाहिए, अपनी इज्जत बचाना ही चाहिए जी जी। हाँ अपनी इज्जत तो बचाना ही चाहिए, हमारे पति घर नहीं सवेरे से। ये कौन था क्या महाराजा की आप बता रहे थे? हाँ मरीज आया था तो ब्लीडिंग हो रही थी, प्राइवेट पार्ट से कटा हुआ था, धारदार हथियार से काटा गया था तो उससे ब्लीडिंग हो रही थी तो उसको हमने तुरंत तो उसको बैंडेज लगवाया और ब्लड रोकने के लिए इंजेक्शन लगवाया। इसके बाद पेशेंट स्टेबल हुआ, फ्लूड चलवाया तो देखा कि उसको प्राइवेट पार्ट में धारदार हथियार से वार किया गया है तो उसका कुछ पार्ट ऊपर से कट गया है। क्या कंडीशन में है? अभी पेशेंट स्टेबल है, सही है, ब्लड बंद हो गया है और जो घाव है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस ऊपर ऊपर हुआ है, स्किन कटी है। रिफर करने की स्थिति में? नहीं, रिफर करने की स्थिति में नहीं है, बस ऐसा हो जाएगा। जानने में क्या समझ में आया, क्या लोगों से जानकारी मिलेगी क्यों काटा गया पार्ट? हाँ हमारे पास जो SI साहब आए थे उन्होंने ये बताया कि ये दुर्गापुर गाँव का है, वहाँ पर किसी महिला के साथ छेड़छाड़ की थी तो उसने अपने आप को बचाने के लिए इसके ऊपर वार कर दिया तो ये सिर आ गया। फुलेहर थाना क्षेत्र का एक मामला सामने आ रहा है, गुप्तांग जब बच्चे का काटा गया, क्या पूरा मामला? अभी सूचना थोड़ी देर पहले ही बात हुई है कि चाची ने अपने भतीजे का गुप्तांग से चोट पहुंचा दी है और उसको CSC भेजा भी गया है और उसका उपचार वहां पर हो रहा है। जो लेडी है तथाकथित जो आरोपित गुप्तांग की
उसको बातचीत किया हुई है और उसमें सत्यता घटना की सत्यता और उसमें क्या चीजें हैं उसको देखा गया है, विधि कार्रवाई की है। मामला क्या समझ में आया अभी? प्रथम दृष्टया जो हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है, ताकि उस लड़की की बताई जाती है, उसका ये कहना है कि मेरे साथ ये कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था, जिस तरह की मैंने ये कदम उठाना ना चाहिए। थैंक यू। आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड।